एक कॉनमैन जो अलग अलग तरीकों से दूसरों को लूटना चाहता था। 20th सेंचुरी का शायद ये वर्ल्ड का फर्स्ट कॉनमैन था। आज की डेट में 1800 करोड़ रुपीस का पोस्टेज स्टैम्प्स का फ्रॉड किया था चार्ल्स पोंजी ने। नमस्कार टू एवरीवन, मैं हूं दिनेश बजाज एंड यू आर वॉचिंग द टॉप रूपी। 1800 करोड़ का पोस्टल स्टैम्प फ्रॉड दुनिया के पहले स्कैम्स में से एक था। होने को इस लड़के का नाम दुनिया के पहले चंद ठग्स में से एक था और ये फेमस भी हुआ। इटालियन कॉनमैन चार्ल्स पोंजी 1903 में इटली छोड़ के यूएस से आया। उस टाइम इटली में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम रही होंगी, या ये कह सकते हैं कि यूएस से रिलेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड रहा, और अपॉर्चुनिटीज की अमेरिका में शायद आज भी कोई कमी नहीं है। चार्ल्स पोंजी ने कम उम्र में कई जॉब्स बदली। उसकी छोटी मोटी कॉन करने की आदत टाइम के साथ और सीरियस हो गई। अगर उसे किसी अच्छे काम से कोई सीख मिलती भी तो वो उसमें से भी कॉन करने के ही तरीके ढूंढ निकालता था। यूएसए, कनाडा और दोबारा यूएसए में उसने कई जॉब्स की, और अपने पैसे कमाने के नोटोरियस तरीकों की वजह से वो दोनों ही कंट्रीज में कई बार जेल भी गया। कई जॉब्स बदलने के बाद पोंजी ने डिसाइड किया कि अब वो खुद का बिजनेस करेगा, और उसने बनाया एक यूनिक बिजनेस प्लान, परहैप्स फ्रॉड करने का प्लान। पोंजी के क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से उसे बिजनेस करने के लिए किसी बैंक ने लोन नहीं दिया, तो अब उसने अपने 3 फ्रेंड से कुछ डॉलर्स उधार लिए, इस वादे के साथ कि वो उन्हें उनके पैसे 90 डेज में डबल करके वापस कर देगा, और उसने पैसे डबल करके वापस दे भी दिए। इसी तरीके से शुरू हुआ उसका, यानी चार्ल्स पोंजी का, पब्लिक को मास कॉनिंग करने का सिलसिला। आपको याद होगा कि 20th सेंचुरी में हम कम्युनिकेशन के लिए लेटर लिखा करते थे, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो या वो पर्सन टू पर्सन ईमेलिंग। यूएसए एंड यूरोप में उस टाइम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पोस्टल कम्युनिकेशन के लिए पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज किया जाता था, छोटी वाली, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया में भी होता रहा है। ज्यादातर लोग अपने पोस्ट के साथ ही पोस्ट रिसीव करने वाले को IRC यानी कि इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन भेज दिया करते थे, ताकि वो उन्हें रिप्लाई जरूर कर दें। बिजनेस में रिस्पॉन्स तो आना ही चाहिए। ये IRC कूपन यूरोप और यूएसए दोनों में काम करते थे। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन लेके आप पोस्ट ऑफिस जाओ और उसके बदले पोस्टल स्टैम्प्स ले लो, और नेक्स्ट पोस्ट के लिए पैसे नहीं देने क्योंकि स्टैम्प्स आपके पास ऑलरेडी होती थी। इसी से IRC की कीमत यूरोप में और अमेरिका में दोनों जगह अलग अलग होती थी। यूरोप की करेंसी की वैल्यू लो होने की वजह से यूरोप में पोस्टल स्टैम्प्स की कीमत भी कम थी, और साथ ही IRC की कॉस्ट भी कम थी। पोंजी ने लगाया अपना दिमाग और ढूंढ निकाला बिजनेस करने का नया तरीका। जनवरी 1920 बिजनेस के फर्स्ट मंथ में फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंड्स की छोटी इन्वेस्टमेंट से $1800 इन्वेस्टमेंट में मिल गए, और अब हुआ कारोबार स्टार्ट। धीरे धीरे 90 डेज मनी डबल स्कीम ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ फरवरी में इन्वेस्टमेंट बढ़कर $5000 हो गई, और लोग भी जुड़ते गए, और साथ ही वो लाए न्यू इन्वेस्टर्स। स्कीम इतनी हिट रही कि 3 मंथ में वो वक्त भी आया जिसमें $1 million तक की इन्वेस्टमेंट आई, मीनिंग 74 लाख रुपीज पर वीक आने लगे। न्यूज़पेपर में भी चार्ल्स पोंजी के बारे में एक पॉजिटिव आर्टिकल आने से सब लोग अपनी लाइफ अर्निंग्स लेके पोंजी के ऑफिस पहुंचने लगे। अब पर डे इन्वेस्टमेंट 74 लाख रुपीज यानी कि $10 लाख तक आ चुकी थी। अब पर इन्वेस्टर के पैसे से अगर पोंजी 3000 IRC यूरोप से यूएसए लेके आता तो हजारों इन्वेस्टर्स के हिसाब से हजारों लाखों IRC यूरोप से अमेरिका लाना पॉसिबल ही नहीं था। अब उस टाइम पे टाइटैनिक से भी बड़े बड़े 10-12 शिप्स हर रोज IRCs लेके यूएसए तो आने नहीं वाले थे। उस वक्त पोंजी यूएसए की सबसे सेंसेशनल न्यूज में से एक था। कई लोगों के शक की वजह से इन्वेस्टिगेशन हो गई, और पता चला कि एक्चुअली में तो सिर्फ 2700 IRCs ही इंपोर्ट सर्कुलेशन में थी, बट इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग 16 करोड़ IRC का ट्रेड सर्कुलेशन और इंपोर्ट होना चाहिए था। बाबा पोंजी भी पकड़े गए और हो गई इन्हें भी जेल। इस केस के बाद यूएसए ने पोंजी को इटली डिपोर्ट कर दिया। पोंजी वहां भी फ्रॉड्स करता रहा और अपने शौक की वजह से यहां से वहां भागता रहा। लास्ट टाइम उसे किसी फ्रॉड की वजह से ब्राजील भागना पड़ा था, और वहीं से वो अपनी फाइनल टिकट कटवा के आसमान के ऊपर कहीं चला गया। आज की डेट में पोस्टल स्टैम्प्स के फ्रॉड के अमाउंट की बात करें तो अबाउट 1800 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा वैल्यू का पोस्टेज स्टैम्प्स का फ्रॉड किया था चार्ल्स पोंजी ने।
कुछ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव येट इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर दोबारा आएंगे. दिस इज दिनीश बजाज एंड यू आर वॉचिंग द टॉप रूपी. वी आर सीकिंग फॉर ब्लेसिंग्स एंड वी आर काउंटिंग ऑन यू. योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ईजी इनफ फॉर यू. प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली डू. And if you find this short story interesting, kindly share this video with your acquaintances. See you again. God bless, keep healthy, and keep knowing.